अति ध्वनित होने लगे काल कथित संवाद। अपने प्रण का कर स्मरण उपजा अधिक विषाद। ओ किं कर्तव्य विमूढ़ नरेश्वर, मुख नत नैन हुए हैं निर्झर। ओ नाथ धर्म संकट में पड़े हैं, घात बड़ा या वचन बड़े हैं। प्रिय रघुकुल, प्रिय रघुकुल का प्रण, इनसे कुछ कम प्रिय नहीं लक्ष्मण। ओ जब से राजा का पद पाया, दुख अपनों को देता आया। यदि घाव लगा कभी कोई मेरे मन को, तो पीर का अनुभव हुआ सदा लक्ष्मण को। यह सत्य राम को सदा रहे परिलक्षित, जग राम से और लक्ष्मण से राम सुरक्षित। प्रभु के मन की जान कर दुविधा संकट पीर, पर विनम्र निश्चय सुदृढ़ करके बोला वीर। मोह विवश प्रभु कुछ न विचारो, मस्तक से प्रण भार उतारो। हरिश्चंद्र से दशरथ जी तक, सब ने वचन किए हैं सार्थक। आप हैं मर्यादा अवतारी, राम वचन का मूल्य है भारी। मुझे अब क्या पर कर दंडित, करें धर्म को महिमा मंडित। विकल राम जी ने दिया निर्णय कल पर टाल, निशि जग कर दरबार में आए प्रातः काल। मंत्री गुरुदेव सभासद को सारा वृत्तांत सुना डाला। सचमुच ये धर्म संकट है परीक्षा, रघुवर की लेने वाला। यदि लक्ष्मण को दंडित करते, तो प्रभु सर्वस्व गंवाते हैं, और वचन विमुख होते हैं, तो रघुकुल की रीति ल जाते हैं। विषम परिस्थिति में सदा गुरु ही आते का, गुरुवर पर निर्भर करें सुर नर मुनि और राम। निराच्छादित चतुर दिशि मान संत श्रुत ग्रंथ, तब गुरु ही देते सुझा आगम सम्मत पंथ। गुरु
गुरु वशिष्ठ बोले, किस समय आने के लिए रुके थे। घटने वाली घटनाएं हम पहले देख चुके थे। बंधु विछोह स्वजन परिजन के संग साकेत में जाना, तुमने स्वयं किया निर्धारित, क्या अब तुम्हें बताना। देते हैं गुरु मंत्र तुम्हें हम राम द्विविधि उपयोगी, जिससे लखन के प्राण तथा कुल धर्म की रक्षा होगी। सदा सदा के लिए लखन का परित्याग कर डालो, परित्याग पर्याय मृत्यु का नीति यही अपना लो। मुनि वशिष्ठ की हितोपयोगी सीख हृदय कर धारण, वचन की रक्षा को प्रभु ने ये वचन किए उच्चारण। अब से जीवित को मृतकों की गणना में धरता हूँ, गणना में धरता हूँ, सबकी साक्षी में लक्ष्मण का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। नैनों में राम छवि रख मन में प्रभु भज के, तत्काल चले सौमित्र सभा को तज के। जब राम ने त्यागा तब जी कर क्या करना, लक्ष्मण ने सब विधि हित कर समझा मरना। पत्थरों के न सिंदूर की लाली, इसलिए महल पे दृष्टि न डाली, और मिल से अनुमति नहीं मांगी, गृह त्यागा गृह लक्ष्मी त्यागी। चरण रुके सरयू के तट पर, अंतिम विदा अवध को कह कर, उतर पड़े सरिता के जल में, कल विलीन करने कल कल में। लिया लखन ने योग से प्राण वायु को रोक, कर गए महाप्रयाण में देह सहित परलोक। श्री राम के प्रति अक्षय स्नेह, पुनि शेष नाग की धर के देह, हर के हित सेज बनानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। लक्ष्मण के महाप्रयाण के पश्चात सोच रहे हैं रघुनाथ। अनुज सेवक रक्षक पूर्ण विश्वास, लखन को खोकर क्या बचा है उनके पास। जीवन संगिनी वह तो पहले ही छूट चुकी है, अब मोह की यह अंतिम कड़ी भी टूट चुकी है। धीर धुरंधर धीरज खो रहे हैं, अपनी रची हुई लीला को विस्मृत कर बंधु के विछोह से आक्रांत हो रहे हैं।
मन बिछो नैनों से छवि नहीं हटे मन से जाए नमो दुसे बंधु बिछो। जब आत्मा पर मोह का आवरण पड़ जाता है तो मनुज हो या परमात्मा भावुकता की वेदना से बच नहीं पाता है। सीता बिन जीवन शून्य राम लक्ष्मण बिन जीवन हीन हुआ यूं विकल सर्प जैसे मणि बिन व्याकुल जू जल बिन मीन हुआ यूं लगे के जैसे जीवन में करने को अब कुछ बचा नहीं जैसे नितांत एकाकी हूँ संग भ्रात पुत्र और प्रजा नहीं गुरुदेव मुझे आज्ञा दे तो अब नर लीला संवरण करूं प्रिय भरत को देकर राज काज लक्ष्मण का पथ अनुसरण करूं। गुरुवर बोले नहीं भरत राम बिन कोई सुख स्वीकारेगा यदि तन को प्राण तजेंगे तो तन कैसे जीवन धारेगा। गुरुदेव ने राम को यह भी स्मरण कराया आप हैं लक्ष्मी संग विष्णु रूप में सिद्ध सदा आवागमन प्रसंग कहने सुनने मात्र को। नाथ आप अन्यत्र आते जाते हैं कहाँ यत्र तत्र सर्वत्र राम राम बस राम है। ले प्रस्ताव जो राम का भरत पे गए वशिष्ठ राम नहीं तो भरत नहीं बोला रघुवर निष्ठ राम ही मेरे इष्ट। भरत ने अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कहा जब प्रभु को वनवास दिया गया तब मैं न था जाऊंगा वनदास वहां राम जहां जाएंगे जान भरत की भावना बोले भावुक राम मुझे कभी कहां भरत बिन सुख निद्रा विश्राम एक प्राण दो ना। प्रेम मूर्ति राम से त्याग मूर्ति भरत कह रहे हैं तब चरणों की पादुका पूजी चरण समान अब साक्षात चरण मिले कैसे तजूं सुजान इनमें ही कल्याण। प्रेम के धाम भरत ने राम के साथ चलने का उन्हें एक और भी तर्क दिया प्रभु ही कहे कि मूढ़ता या बुद्धिमानी कहूं पद वरदानी तज राज पद पाने को अब मैं उचित मानू माया संग रहने को या के मायापति भगवान संग आने को प्रभु जन जन पे लुटाई
कृपा अनुमति दे दी संग चलने की, जाने अनजाने को भरत की विनती के, अपनों की गिनती में रख संग ले लो इस पात की पुराने को। अनुजों के पुत्रों में विभाजन धरा का किया, सबको बनाया स्वामी ठोर ठिकाने का। देवी मैया सीता जी के स्वाभिमानी कुंवरों ने कभी कोई हठ नहीं किया कुछ पाने का। कहते वशिष्ठ के उचित ये समय है राम, राम के आत्मज सिया सुतों को बसाने का। उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार सौंप, कीजिए विचार प्रभु निज लोक जाने का। उत्तर कौशल का दिया लब को राज्य विराट, कुश को घोषित कर दिया भारत का सम्राट, दे दक्षिण का पाट वीर गुणी धर्मात्मा, एक से बढ़कर एक स्वयं किया श्री राम ने लव कुश का अभिषेक, गर्वित उनको देख। राम जी सबको यथास्थान स्थापित करते जा रहे हैं, महाप्रयाण की दिशा में शरण धरते जा रहे हैं। लव कुश रूप में राम विभाजित, दो दो सिंहासन पर स्थापित, संदेशा मधुपुर भिजवाया, गमन पूर्व शत्रुघ्न बुलाया। रिपुसूदन ने विनय सुनाई, नेह जो मुझ पर है रघुराय, चरणों की छाया में बिठा के ले चलिए निज दास बना के। होते सदा कनिष्ठ के सर्वाधिक अधिकार, इस कारण शत्रुघ्न की विनती की स्वीकार। श्री राम के महाप्रयाण का संवाद पाते ही अगणित वानर अरुरिच्छ अयोध्याए, सबने अपने मंतव्य सहर्ष सुनाए। हम आए साथ गमन का निश्चय करके, अब दृष्टि लगी है निर्णय पर रघुवर के। कल जो राम काम में सहयोगी हुए, आज उन्हें ना कहना राम जी के वश में कहा। प्रभु सुग्रीव के मन को पढ़कर बोले वचन नेह में जड़ कर। मित्र अभिन्न अंग तुम मेरे, मुझ पर तब उपकार घनेरे। तुमने ऐसी प्रीति बिखेरी, तुम बिन कहीं नहीं गति मेरी। जितने अनुचर मित्र तुम्हारे, वे सब के सब मुझको प्यारे। ये सेवक निस्वार्थ है भक्ति लिए निष्कार, सब के सब वहाँ जाएंगे जहाँ जाएगा राम। लंकापति से कहने लगे मित्र परायण,
जब तक जग में तन जीव करेंगे धारण, तब तक लंका पर होगा राज तुम्हारा। निष्फल नहीं होगा ये वरदान हमारा। सीता जी हनुमान जी को अमरता का वरदान दे चुकी थी, उसका अनुमोदन करते हुए राम जी ने कहा, सुनो प्राण प्रिय केसरी नंदन, जब तक राम और रामायण, तब तक तुम धरती पे रहोगे, राम कथा विराम सुनोगे। जामवंत से बोले रघुवर, आयु तुम्हारी जब तक द्वापर, द्वापर और कलयुग की संधि पर, द्विविध मयंद के हो हस्ताक्षर। जिन सब ने राम पद में रति की, उन सब को संग ले रघुपति की, योजना महाप्रस्थानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।